Hi dear friends, I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, once again welcomes you in the world of SYJC Economics Chapter 3A Part 2, that is Demand. In our last session, we have already discussed any want becomes a demand only when the consumer has two conditions, that is willingness to buy and capacity to buy. Otherwise, it becomes a desire. BMW खरीदने की मेरी इच्छा है पर औकात नहीं है. 2000 का घोड़ा साइकिल खरीदने की औकात है पर इच्छा नहीं है. तो दोनों में से कुछ भी डिमांड तक नहीं पहुंचेगा. हमने ये भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि डिमांड हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, डिजायर हैज नेगेटिव इफेक्ट on the minds of the people because it creates depression. After that we have covered the topic types of demand, जिसका एक और नाम था interrelated demand. जो सामान as a consumer आप और मैं जाके directly खरीदते हैं market से अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, there is consumer goods, food, clothing, तो बन गया direct demand. जो सामान का demand producer करेगा to produce consumer goods, that is capital goods, plant and machinery, तो वो बन गया derived और indirect demand. एक single commodity अगर एक साथ बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करे तो it is composite demand, electricity. Two or more commodities are required together to satisfy one purpose, one want. Example, transporting के लिए car and petrol, तो it is joint or complementary demand. And in case of substitutes, if demand of tea increases, demand of coffee will fall. अगर चाय की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफ़ी की कम हो जाएगी, कॉफ़ी की बढ़ेगी तो चाय की कम हो जाएगी. दोनों घुसर के एक साथ कोई नहीं पीता है, कोई ऐसा येड़ा हकेला नहीं है, तो इट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड. टूडे आवर क्वेश्चन इज डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड. हम जो कुछ बोले वो आपको नोटबुक में लिखना है फ्रेंड्स, तो राइट इट डाउन, गिव द हेडिंग डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड. डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड. फ्रेंड्स टोटल वी हैव 11 फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द वर्ड डिमांड. इसका मतलब क्या? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन. फ्रेंड्स डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन दिस 11 फैक्टर्स. बिफोर वी मेक एनी डिमांड इन मार्केट, बिफोर वी परचेज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, आवर माइंड प्रोसेस पासिस फ्रॉम दिस 11 फैक्टर्स. बट द प्रोसेस इज सो रैपिड दैट वी कांट रिकॉग्नाइज इट. हम सबको पता है कि हम कुछ भी खरीदें उसके पहले अपने दिमाग में 11 चीज़ें हम सोच लेते हैं, पर ये इतना जल्दी सोच लेते हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमें ये सब कुछ पता है. हालांकि हम सबको ये पता है पर हमें ये नहीं पता है कि हमें ये पता है, तो सब पता पता ना पता हो गया. सो लेट्स स्टार्ट विथ डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड. फर्स्ट पॉइंट, गिव द हेडिंग प्राइस ऑफ गुड्स. प्राइस ऑफ गुड्स, underline, write down, demand of any commodity depends on its price. Next statement, higher the price, lower is the demand and lower the price, higher is the demand. Now see, demand of any commodity depends on its price. 5 साल का छोटा बच्चा अगर दुकान में जाके एक चॉकलेट भी खरीदता है तो उसका पहला क्वेश्चन है अंकल कितने का है,
कितने का है, व्हाट्स द प्राइस. सो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. और ये कैसे होता है, तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड. ये चीज हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. 1.5 लाख रुपए का प्लाज्मा टीवी का डिमांड कम है क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है. उसका डिमांड ज्यादा है लेडीज सैंडल क्योंकि उसकी प्राइस कम है. तो जो चीज का प्राइस कम है उसका डिमांड ज्यादा होता है, जो चीज का प्राइस ज्यादा है उसका डिमांड कम होता है. करेक्ट. तो डिमांड डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. ये हो गया अपना फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड वन राइट डाउन, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स. इनकम ऑफ कंज्यूमर्स अंडरलाइन राइट डाउन. हायर द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, हायर द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स कोमा, हायर इज द डिमांड, हायर इज द डिमांड एंड वाइस वर्सा. व्हाट इज वाइस वर्सा? VICE VERSA एंड वाइस वर्सा. नाउ सी, उसका उल्टा, वाइस वर्सा उसका उल्टा. हायर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, हायर इज द डिमांड. जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना वो अपनी खुशी के लिए ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करेगा. इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स. जब मैं महीने का 1200 रुपया कमाता था तो मैं 60 रुपीज़ का शर्ट पहन के घूमता था. अगर आज मैं महीने का 70,000 कमाऊँ तो 700 का शर्ट पहन के घूमूँ. फ्रेंड, जितने आपकी इनकम ज़्यादा उतनी आप ज़्यादा चीज़ें डिमांड करोगे और महंगी चीज़ें डिमांड करोगे. सॉरी फ्रेंड्स, ये कोरोना की वजह से नहीं है, डोंट वरी, ये पॉल्यूशन की वजह से है. तो हायर द इनकम हायर इज द डिमांड. लेट मी शेयर वन पर्सनल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विथ यू. फ्रेंड्स, जब से मैं पप्पा की उंगली पकड़ के चलना सीखा तब से मुझे ये बराबर याद है कि मेरे पप्पा का एक रूल था, महीने में कम से कम 3 बार पूरे फैमिली को रेस्टोरेंट में जाके डिनर करने का. इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि एटलीस्ट महीने में 3 दिन ऐसे हो जब सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, पूरा फैमिली साथ में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बाहर से आया है या मम्मी को कुछ लेने के लिए खड़े हो, कुछ भी नहीं, नो डिस्टर्बेंस. और उस टाइम आप अपनी बातें सबके साथ शेयर करो, सब लोग, मतलब मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ, मेरे बड़े भाई के साथ कॉलेज में क्या हुआ, पापा के साथ ऑफिस में क्या हुआ, ओके, माई मॉम वॉज ऑल्सो टीचर, तो उनके साथ मतलब वो हर चीज़ शेयर करो. ये उनका फंडा था, ओके. और अब तो बिफोर 7 ईयर्स ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहे, पर उनकी डेथ के 15 दिन पहले तक फ्रेंड्स ये नियम कंटिन्यू था. मतलब बिफोर द डेथ, बिफोर 15 डेज ऑफ हिज डेथ, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि प्रशांत रेस्टोरेंट में जाना है, आज शाम को लेक्चर जल्दी ख़त्म करना. मैंने कहा पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बोले नहीं तो भी जाना है. मतलब वो कंटिन्यू रहा कि महीने में 3 बार रेस्टोरेंट में जाके पूरा फैमिली डिनर करेगा और अपनी बातें शेयर करेगा, उसको मोबाइल भी स्विच ऑफ, सब बंद, नो डिस्टर्बेंस, ओके, फैमिली टाइम. फ्रेंड्स, पर एक फर्क बता रहा हूं, जब वो लेकर जाते थे तो उडीपी रेस्टोरेंट लेकर जाते थे, शायद आपको पता ना हो वो इस उडीपी रेस्टोरेंट जहां पे पाव भाजी पिज्जा ये सब नहीं मिलता है, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट होती है. और हम चारों लोग मिलके उस वक्त जो डिनर करते थे ना, जो डिनर हम करते थे उसका जो बिल है वो 90 रुपीज़ के आसपास आता था, 90 रुपये, 90. और अगर कभी 90 रुपये के ऊपर बिल आ गया तो मम्मी हमको आँख दिखाती थी, मुझे और मेरे बड़े भाई को,
कि आप कुछ ज़्यादा महंगा खाना मंगा रहे हो, ऐसा धमकी देती थी कि नेक्स्ट टाइम लेकर नहीं आएंगे। गलती से मैंने एक बार बोल दिया कि मम्मी पापड़ मंगाएंगे, तो मम्मी ने झापड़ दिखाया, मारा नहीं, सिर्फ दिखाया कि बेटा 2 रुपये का एक पापड़ होता है, घर पे 2 रुपये में 6 पापड़ हो जाते हैं। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मैंने जिद की थी कि मम्मी आज हम एयर कंडीशन में बैठेंगे, तो मुझे ये बताया गया कि बेटा एसी में वो लोग बैठते हैं जो ड्रिंक करते हैं, हम तो अच्छे घर के लोग हैं, हम तो ड्रिंक नहीं करते। अब मुझे उल्लू बनाया गया। ये तो मुझे बड़े होने के बाद समझ में आया कि जो प्योर वेज उड़ीपी रेस्टोरेंट होती है उसमें ड्रिंक होता ही नहीं है। मतलब ये सब जो चीज़ें थी ना, ये बहाने थे ताकि ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। अगर 90 रुपीज़ से नीचे बिल आएगा ना, तो मम्मी मुझे पूछती थी कि तू आइसक्रीम खाएगा, क्योंकि सबसे छोटा मैं था। और अगर मैं बोलूँ हाँ, तो बोल देगी वेटर को बुला के कि एक स्मॉल वेनिला कप आइसक्रीम क्वालिटी का। फ्रेंड्स, स्मॉल वेनिला कप, ये वेनिला मेरा कोई फेवरेट फ्लेवर नहीं है, पर यही चिपकाया जाता था क्योंकि ये अकेला ऐसा आइसक्रीम था जो रेस्टोरेंट में 4 रुपये में मिलता था। तो ये खिला दिया, मतलब बात ख़त्म हो गई, आइसक्रीम हो गया, बाकी ये मेरा कोई फेवरेट फ्लेवर नहीं था। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे पप्पा की डेथ तक वो नियम तो कंटिन्यू था कि रेस्टोरेंट में महीने में 3 बार जाना था, लेकिन अब हम सालों से ODP रेस्टोरेंट नहीं गए, AC के बगैर मैं बैठता नहीं हूँ, कभी कभार तो 90 रुपये के तो सिर्फ हम पापड़ खा जाते हैं। ओके, अब सिचुएशन ये होती थी कि अगर कभी 500 के नीचे भी जाता था, तो मम्मी पप्पा मेरी तबीयत चेक करते थे कि बेटा कुछ मंगाया नहीं, कुछ खाया नहीं, इतना कम बिल, सब ठीक तो चल रहा है ना, ऐसा पूछते थे। उनको टेंशन आता था कि इसे कुछ मंगाया नहीं, कुछ खाया नहीं, तो पापा बोलते बेटा एक काम कर, आइसक्रीम तो मंगा ले। अब उनको पता है कि मैं अगर आइसक्रीम पे गया तो मेरा जो चॉइस रहेगा वो केसर पिस्ता या राजभोग या कसाटा, और ये कोई भी आइसक्रीम किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में 120 रुपये से कम में पॉसिबल नहीं है। मतलब सिर्फ मेरे अकेले का आइसक्रीम 120 रुपये का, तो भी ये कहा जाता था कि बेटा कुछ मंगाओ, कुछ खा लो। ये फ़र्क क्यों? क्योंकि उस वक्त बिल उनको पे करना था, अब बिल मैं पे करता हूँ, इसलिए नहीं। फ्रेंड्स, अब इसका रीज़न क्लियर कर रहा हूँ। मम्मी और पप्पा दोनों काम करते थे, 300 दिन काम करते थे विदाउट एनी हॉलीडे, और तो भी दोनों मिलके महीने का 5,000 रुपीज़ मुश्किल से कमा पाते थे। फ्रेंड्स, आज अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में मैं अकेला 5,000 रुपीज़ कमा लूँ, अगर मैं चाहूँ तो। ओके, तो फ्रेंड्स, ये फ़र्क यहाँ से आया, डिमांड डिपेंड्स ऑन आवर इनकम लेवल। इसलिए उस वक्त 90 रुपये के ऊपर आँख दिखाई जाती थी, और अब हम 90 रुपये के तो पापड़ खा जाते हैं, 2 मसाला पापड़ लाओ ना, 1 ये पापड़ लाओ ना, 1 रोस्टेड पापड़ लाओ ना, करेक्ट। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, दैट वाज आवर सेकंड पॉइंट। गिव दी थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। फ्रेंड्स, ये एक तरीके से रिपीट होने वाला है, डैश करके रैंडम अंडरलाइन, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। कोमा, इफ प्राइस ऑफ टी, चाय, TEA, इफ प्राइस ऑफ टी, TEA, चाय, टी, इफ प्राइस ऑफ टी rises, RISES, comma, demand of coffee will be more. ध्यान से लिखना फ्रेंड्स, demand of coffee will be more. Now see, what does it mean? Demand of coffee
डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ की. हमने इसके पहले एक बार डिस्कशन किया था, आज वापस डिटेल में रिवाइज करा दूं. चाय एंड कॉफी बोथ आर हॉट बेवरेजेस, हॉट ड्रिंक्स, ओके, हॉट बेवरेजेस. बोथ ऑफ दीज आर सब्स्टिट्यूट्स. चाय पीने वाला कॉफी पी के रह सकता है, कॉफी पीने वाला चाय पी के रह सकता है. चाय और कॉफी दोनों घुसर के एक साथ कोई नहीं पीता है, कोई ऐसा साइको येड़ा हटेला नहीं होता है. ऐसा सिर्फ मूवी में अच्छा लगता है या तारक मेहता में अच्छा लगता है. अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी. मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कि आप में से कितने लोग पहली बार में समझ पाओगे कि चाय और कॉफी में फर्क क्या है. डोंट आर्ग्यू सर स्पेलिंग डिफरेंस. चाय चाय पत्ती से बनती है, कॉफी डोंट से कॉफी पत्ती से बनती है, कॉफी बीन होता है. ऐसे तो फ्रेंड्स चाय और कॉफी दोनों ही अगर एम्प्टी स्टमक लिया जाए तो ये स्लो पॉइजन है. खाली पेट अगर आप चाय कॉफी पीते हो तो ये इट्स अ स्लो पॉइजन, मतलब आप धीरे धीरे सुसाइड की तरफ जा रहे हो. आपको किसी और दुश्मन को मारने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप खुद ही मर जाओगे. कुछ खाने के बाद आपको चाय या कॉफ़ी लेना चाहिए वरना नहीं लेना चाहिए. पर चाय और कॉफ़ी में कुछ और भी फर्क है. नॉर्मल अगर आप मार्केट समझ पाओ ओके, तो चाय जो है ना वो 5-6 रुपया कटिंग मिलती है. कॉफ़ी कभी कटिंग में नहीं मिलती, 20 रुपये का फुल कप मिनिमम. ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, टप रुपये सोचूँ तो. चाय में पानी का हिस्सा ज़्यादा चलता है, दूध कम होगा चलता है. कॉफ़ी में दूध ही चाहिए, पानी नहीं चलता है. ऐसा माना जाता है कि चाय गरीब लोग ज़्यादा पीते हैं और कॉफ़ी पैसे वाले लोग ज़्यादा पीते हैं. चाय पीने के तरीके भी आप देखो ओके, ऐसा कप में से यूं करके ऐसा चाय पीते हैं. कभी कॉफ़ी को ऐसा पीता देखा है? कॉफ़ी बड़े सीसीडी में, बड़ा सा मग न्यू, ऐसा स्टेटस कैसा. कॉलेज में अगर किसी लड़की को बोले चल कटिंग चाय पी रहा हूँ, कटिंग चाय पी रहा हूँ, उसको बोले चल कॉफ़ी पीने सीसीडी, कॉफ़ी चलो 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 तुरंत चलो चलो चलो, बहुत फ़र्क है. स्टेटस के हिसाब से बहुत फ़र्क है फ्रेंड्स. नॉर्मल राम विलास हिंदू होटल अगर चाय का ऑर्डर भी आप देते हो तो वहाँ का जो माहौल होता है वो भी फ़र्क, माहौल में भी फ़र्क. शंकर विलास हिंदू होटल, राम विलास हिंदू होटल, हाँ, अगर आपने चाय का ऑर्डर दिया दो स्पेशल चाय विथ इलायची ओके, तो वहीं से वो तंबी, वेटर तो होता नहीं, तंबी पेंट के ऊपर गंजी के ऊपर रुमाल लगा के घूमते रहता है और वहीं से खड़े खड़े दो स्पेशल चाय इलायची के साथ टेबल नंबर 5. मुझे पूरे होटल में पता चला कि आपने क्या मंगाया. फ्रेंड सीसीडी में जाओ, कॉफ़ी का जो ऑर्डर होता है वो आपके अलावा किसी को नहीं पता. और अब तो वहाँ पे भी डिजिटलाइज हो चुका है, आपके टोकन नंबर के हिसाब से, पहले तो टोकन नंबर बुलाते थे, अब तो वहाँ पे भी एक गैजेट दे देते हैं, उसमें बीप बजेगा उसके हिसाब से लेकर आने का. मतलब नो वन नोज कि आपने एग्जैक्टली क्या मांगा है. मतलब एटमोसफियर में भी इतना फर्क है. बाकी ऐसा नहीं है कि चाय में कम पॉइजन. फ्रेंड्स ये बात सच है कि कॉफ़ी ज़्यादा पॉइजनियस है. कॉफी में 1% कैफीन नाम का एक एलिमेंट होता है विच इज पॉइजनस. लेकिन लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रोफेसर चाय पीते हैं, मैं कॉफ़ी पीता हूँ क्योंकि कॉफ़ी में बाकी का जो 99% है ना वो एक फ़र्क है. अपने दिमाग में जो थकान जो महसूस होती है, फैटिक इफेक्ट जो होती है, टॉक्सिक इफेक्ट, जिस व्यक्ति ने अपने को थकान महसूस कराने की ताकत रखते हैं उसको ये कॉफ़ी ख़त्म कर देती है. पर शर्त ये कि वो एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए वरना वो आपको पॉइजन का इफेक्ट करेगा. इट्स अ स्लो पॉइजन और बहुत कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, एकदम लिमिटेड. रोज़ भी नहीं पीना चाहिए, मैं भी रोज़ नहीं पीता हूँ फ्रेंड्स ओके. एक और सर्वे किया गया है जहाँ पर ये समझ में आया है कि जो लोग फिजिकल ज़्यादा काम करते हैं ना, कारपेंटर, कड़िया मिस्त्री, वो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, हर एक घंटे बाद, डेढ़ दो घंटे बाद एक कटिंग चाय. जो मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट लोग, लेक्चरर लाइक मी, जो यहाँ से खेलते हैं, वो लोग कॉफ़ी पीते हैं.
म्यूजिशियन जो लोग होते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको प्रोग्रामिंग करना होता है वो लोग कॉफ़ी पीते हैं, मेरे जैसे लेक्चर लोग कॉफ़ी पीते हैं। अब अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, चाय महंगी हो जाएगी तो टी ड्रिंकर्स विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम टी टू कॉफ़ी। कोई क्या सोचेगा, जब ज़्यादा पैसा देना ही है तो चाय काहे को पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँगा, स्टेटस का सवाल है। तो अगर किसी कंपनी ने चाय की प्राइस बढ़ा दी तो लोग कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा देना ही है तो चाय क्यों पी, कॉफ़ी पिएंगे, स्टेटस का सवाल है। सो डिमांड ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ टी, नथिंग बट, तो इट इज़ नथिंग बट प्राइस ऑफ अदर गुड्स। सो डिमांड ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ टी, ओके। आवर फोर्थ पॉइंट इज, जस्ट गिव द हेडिंग, आवर फोर्थ पॉइंट इज जस्ट गिव द हेडिंग, टेस्ट, नेचर, हैबिट, कस्टम, फैशन, फेस्टिवल एक्सेट्रा। टेस्ट, नेचर, हैबिट, कस्टम, फैशन, फेस्टिवल एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इसमें नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर प्रिंटेड नोट्स वी हैव प्रोवाइडेड यू उसमें इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सिर्फ मैं एक एक एग्जांपल से अगर आपको समझा पाऊँ तो इट विल बी वेरी इजी, ओके, इट विल बी वेरी इजी। सो टेस्ट, आपको जो चीज़ टेस्टी लगेगी आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे, सो डिमांड डिपेंड्स ऑन अवर टेस्ट। अगर मुझे किटकैट टेस्टी लगेगा तो मैं किटकैट की डिमांड बढ़ाऊंगा, आपको डेयरी मिल्क टेस्टी लगता है तो आप डेयरी मिल्क की डिमांड बढ़ाओगे, सो डिमांड डिपेंड्स ऑन टेस्ट। सेकंड, नेचर, हम अपने नेचर के हिसाब से डिमांड करते हैं, बिल्कुल यस। फ्रेंड्स, जो भी लोग डार्क फैंटेसी, टेम्पटेशन, ऐसी डार्क चॉकलेट और डार्क बिस्कुट्स और केक पसंद करते हैं, आप कभी ऑब्जर्व करना कि उनका जो दिमाग है वो शॉर्ट टेम्पर होता है, उनको हर बात बहुत जल्दी बुरी लग जाएगी, वो जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, वो जिद्दी होंगे, सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए, ओके, रो के, हंस के, प्यार से पुचकार के, गुस्सा करके, थप्पड़ मार के, कुछ भी करके वो मनवाएंगे, ठीक है। पर जो लोग लाइट कलर का फूड पसंद करते हैं, दूध से बनी हुई चीज, चावल से बनी हुई चीज़ें, तो ये लोग माइंड थोड़े पीसफुल होते हैं, ये ऑलवेज सामने वाले की बात सुनकर उनको कोऑपरेट करने की ट्राई करते हैं। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन अवर नेचर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिट, अगर आप में से किसी को चाय की आदत है तो आप चाय के बगैर नहीं रहोगे, अगर किसी को मिलन सुपारी चबाने की आदत हो गई है तो उसके बगैर वो नहीं रहेगा। सो डिमांड डिपेंड्स ऑन योर हैबिट। उसके आगे का वर्ड कस्टम, कुछ चीज़ें हम इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन, परंपरा, रीति रिवाजों में आता है, क्योंकि वो अपने कस्टम में आता है। हिंदू मैरिज के हिसाब से, हिंदू मैरिज के हिसाब से, ओके, जब जब लड़का शादी के लिए जा रहा हो तो एक बड़ा सा महंगा सा हार उसको पहनाया जाएगा, हजार रुपये का वो हार होगा। मुझे अब तक नहीं समझ में आया कि इतना महंगा और इतना हेवी हार इसका यूज़ क्या है, कोई यूज़ नहीं है। कार से उतरेगा, धीरे 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 मंडप तक जाएगा, सामने से सासू माँ आएगी, वो हार निकालेगी, आरती का थाली होकर के दूसरा हार पहना देगी। अब हजार रुपये का हार 10 मिनट काम का नहीं था, ओके, बाद में वो हार किस पीछे बच्चों को दे दिया जाएगा और छोटे छोटे बच्चे 10 मिनट में वो हार का जो हाल करेंगे, ए ए ए ए लो खत्म। मुझे कभी नहीं समझा कि हार क्यों था, बोले कस्टम, ट्रेडिशन, परंपरा, रीति रिवाजों में है इसलिए खरीदने का। सालों से अपने बुजुर्गों के टाइम से ये चलते आ रहा है तो चलते आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न आज तक समझ में नहीं आया। सो डिमांड डिपेंड्स ऑन अवर कस्टम्स, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से हम चीज़ों की डिमांड करते हैं।
उसके आगे का योर फेवरेट वर्ड फैशन का है ये जलवा। ज़्यादातर चीज़ें हम इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि उसकी फैशन है, बाकी हमें उसमें समझ कुछ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। मुझे आज तक समझ भी नहीं आया वो जो टॉन जींस होता है वो क्यों होता है, यहाँ पे खिड़की काय को रखा है, मतलब उसे वहीं पे हवा का आना जाना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो जींस लेकर फाड़ डालेंगे वहाँ से क्योंकि फैशन है। सपोज किसी की मजबूरी थी सालों पहले कि उसके पास एक ही जींस था, फट गया था, इसलिए उसने वहाँ पे कुछ ऐसा टैटू चिपका दिया कुछ को भी, तो लोगों को लगा ये फैशन है, सब लोग टैटू वाले जींस पहनना शुरू। अरे वो उसकी मजबूरी थी। डिमांड डिपेंड्स ऑन फैशन। फ्रेंड्स एक बार मनीष मल्होत्रा को किसी ने पूछा था, द ग्रेट फैशन डिजाइनर ऑफ बॉलीवुड, कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फैशन, तो उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा था कि फैशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी और ने शुरू किया और हम उसको फॉलो करें, हम कुछ अलग करें और वो ऐसा चले कि लोग आपको फॉलो करें, तो दैट इज फैशन। पर अपना ये होता है कि सबने किया तो वो फैशन में, तो चलो हम भी डिमांड करते हैं। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन फैशन। लास्ट वर्ड इज फेस्टिवल। फ्रेंड्स ज़्यादातर चीज़ें हम डिमांड करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल पीरियड, त्योहारों में, जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। क्यों खरीदा? क्योंकि त्यौहार है। ईद के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे कपबोर्ड में जगह नहीं होगी, उतने कपड़े पड़े होंगे तो भी वापस कुछ खरीदने का, अरे कपबोर्ड खोलते हैं धगला नीचे गिरता है तो भी खरीदने का, क्यों? फेस्टिवल है। बचपन से अब तक मुझे कभी समझ में नहीं आया कि दिवाली के टाइम पे फटाके क्यों फोड़े जाते हैं, इसका कोई बेसिक रीज़न अभी तक मेरे सामने नहीं आया। अगर आप मुझे ये समझाएंगे कि रावण को मारने के बाद राम अयोध्या वापस आए थे, वो दिवाली का दिन था इसलिए खुशी के मारे फटाके, अरे फ्रेंड्स दिवाली की शुरुआत राम के वक्त से हुई और फटाके चाइना ने बाद बहुत बाद में ढूंढे हैं। उस वक्त राम जब वापस आए किसी ने नहीं कहा था ये दिवाली आई, दिवाली पॉसिबल ही नहीं है, फटाके कोई खोज ही नहीं हुई थी, और नाम दिवाली तो था ही नहीं, इट इज दीपावली। उस फेस्टिवल का जो नाम है वही दीपावली, लोगों ने खुशी के लिए दीप जलाए थे, हमने उसमें भी रिमिक्स कर दिया दिवाली। तो फेस्टिवल उसका कोई कनेक्शन दिवाली का फटाकों के साथ नहीं है, फ्रेंड्स कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बावजूद भी फटाके खरीदने के, क्योंकि दिवाली है, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर फटाके फोड़ने में मजा आता है, रिमेंबर वन थिंग, फटाके देखने में मजा आता है फ्रेंड्स, फोड़ने में कोई मजा नहीं आता है। फोड़ने वाले की खुद की पहले फटती है, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा बॉम्ब लगा है और फिर दबा दे तो वो किधर एंजॉय कर रहा है। इसमें मैं आपको एक पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू समझाऊँ, दुकान में जाके बोलेगा कि 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लें, बॉम्ब का आवाज़ मस्त आना चाहिए, और बॉम्ब लगाने के बाद यूँ करेगा यूँ ऐसा, अरे आवाज़ का पैसा दिया था कान तो बंद कर दिए, आवाज़ का पैसा दिया था और कान तो बंद कर दिए, बॉम्ब में देखने का आँख भर के देख रहा है, इट इज़ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। लेकिन ये खरीदा क्यों? पूरे मोहल्ले में पता चले मैंने फटाका फोड़ा, एंजॉय कुछ नहीं हुआ, ये फेस्टिवल था, दिवाली है, मैंने फटाके फोड़े। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन टेस्ट, नेचर, हैबिट, कस्टम, फैशन, फेस्टिवल एक्सेट्रा। फ्रेंड्स टॉपिक इज वेरी लेंथी एंड टू इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट्स। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर दिस सेशन, सून आई अप्रोच यू अगेन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।